हेलो एवरीबॉडी, दिस इज नीलेश कुमार सिंह। स्वागत है मित्रों आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों देखिए, मैं जैसा आपको ये बुक पढ़ा रहा हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक होगा सर, गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय। तो इसमें मैं बता दूं, देखिए आज मैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और मैं बता दूं आपको, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स पहले बता देता हूं, क्योंकि ये कई बार यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे इनफैक्ट इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, रेलवे हो, आरपीएफ हो, ये कई बार क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाता है कि कोई जो इवेंट दिया हुआ है वो सर किस गवर्नर से रिलेटेड है, किस गवर्नर जनरल से रिलेटेड है, किस वॉइसरॉय से रिलेटेड है। तो ये चीज देख लीजिए। अब उसके अलावा देखिए, इसमें आपके लगभग टोटल ओवरऑल आप देखेंगे तो कई बार इसमें सवाल आए हुए हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी पाएंगे, तो टोटल 110 सवाल हैं। मैं कौन हूं दोस्तों? मेरा नाम नीलेश कुमार सिंह है। यूपीएससी 2016 का मैंने इंटरव्यू दिया था एंड ये वो बुक है जो मैंने लिखी है। उसके अलावा देख लीजिए, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम आपको देते हैं वो आपके पास पहुंच जाए। उसके अलावा देखिए, हमने एनसीईआरटी के वीडियोज भी हम डेली लगभग डाल देते हैं। आज एनसीईआरटी क्लास 6 का वीडियो आया है दोस्तों, तो वो देख लीजिए। ज्योग्राफी बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है आपकी, 6 क्लास की ज्योग्राफी जो है, उसके बाद फिर हम दूसरा 6 क्लास की बुक उठाएंगे, क्योंकि ताकि आपकी एक एक करके बुक सारी खत्म होती चले जाए और आपको पता भी ना चले। दो पार्ट में मैं ये वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आज पार्ट वन है, तो आप इसे कह सकते हैं दिस इज द पार्ट वन ऑफ द वीडियो। आज मैं बुक के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ये डिस्कस करूंगा किस कौन है गवर्नर, कौन गवर्नर जनरल है, कौन क्या है। देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है सर गवर्नर जनरल्स की बात कर लेते हैं। देखिए सर, जो चार्टर एक्ट आया था उसके बेसिस पे जो गवर्नर का डेजिग्नेशन था ना, वो गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए, ये जो पहले आपके गवर्नर थे ना, वो गवर्नर जनरल थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, ही वॉज नॉट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बट ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बट कहीं कहीं पे अगर ऑप्शन में जैसे आपका नहीं दिया है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल, जैसे आपके इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लेकिन नहीं दिया, देन यू कैन चूज द वॉरेन हेस्टिंग्स अगर नन ऑफ द अबव ऑप्शन दिया है, ठीक है दोस्तों। तो 1773 से 1785 तक ये थे। देखिए ये चीज पहले मैं इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था? सबसे पहला तो खुद जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर था सर एक्ट ऑफ 1781, फिर आपका आपने एक एक्ट पढ़ा होगा पिट्स इंडिया एक्ट। नोट्स बनाते जाइएगा, देखिए मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन आप नोट्स बनाते रहिएगा। फिर आपका रोहिला वॉर इंपॉर्टेंट था, ठीक है। रोहिला वॉर कब हुआ था सर? 1774 में हुआ था। फर्स्ट मराठा वॉर इनके टाइम पे हुआ था, फर्स्ट मराठा वॉर, वो कब हुआ था सर? 1775-82 में हुआ था। सेकेंड मैसूर वॉर हुआ था सर, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा मैं बता दूं, ट्रीटी ऑफ सलबई भी हुई थी इनके टाइम पे, ट्रीटी ऑफ सलबई 1782 पे। उसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, ठीक है। तो ये चीजें नोट कर लीजिए। उसके अलावा देखिए, ड्यूअल गवर्नमेंट भी इनसे रिलेटेड है, ड्यूअल गवर्नमेंट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक ड्यूअल गवर्नमेंट इस तरह से एस्टेब्लिश इनसे रिलेटेड है कि इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट को क्या किया था, एबॉलिश किया था। क्या किया था? एबॉलिश किया था। तो एबॉलिशमेंट ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। अच्छा, ये सारे चीजें ना अभी मैं जब आपको आगे पढ़ा रहा हूँ और तो टर्म्स आते जाएंगे तब मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। फिलहाल मेरा जो इस वीडियो को बनाने का पर्पज है ना, वो ये है कि आपको एटलीस्ट क्रोनोलॉजी ध्यान रहे कि कौन कब आया था, उससे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। उसके अलावा जब मैं ये खत्म कर दूंगा तो उसके अलावा फिर आपसे बाकी जब क्योंकि आपकी बुक में हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पर जहाँ पे उसके बारे में डिटेल्ड है मैं वहां पर आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दूसरे जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है वो है उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आपके थे 1786 से 1793 तक, ठीक है। अच्छा,
एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो थी इंडिया की और इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, ये से रिलेटेड है इनसे, यूरोपियाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो इससे रिलेटेड जो भी इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसका यूरोपियनाइजेशन किया था इन्होंने, मतलब यूरोप से बोरो करके लाए थे यहाँ पे वो चीज स्टेब्लिश की थी। सिविल सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, परमानेंट सेटलमेंट आप बहुत बार सुनते होंगे व्हाट परमानेंट सेटलमेंट, तो परमानेंट सेटलमेंट इनसे जुड़ता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इज रिलेटेड टू होम, तो इट इज रिलेटेड टू लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके अलावा देखिए कॉर्नवालिस कोड, कौन सा सर, कॉर्नवालिस कोड, इसमें बहुत सारे जुडिशियल रिफॉर्म्स थे और आपका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ्रेंशिएट किया गया था, तो वो भी कॉर्नवालिस से रिलेटेड है। उसके अलावा थर्ड मैसूर वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम, तो ये भी इनसे रिलेटेड है, ये ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम 1792 की है, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट से रिलेटेड है, मतलब ये दोनों और ये सारी चीजें, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिएगा। 1793 के बाद कौन आए सर, थर्ड नंबर पे जो आए वो आए सर सर जॉन शो, नोट करते रहिएगा सर, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन इन सब पे, इसलिए आपको नोट करने की जरूरत है। सर जॉन शोर ये कब से कब तक थे, 1793 से लेके 98 तक थे। ओके दोस्तों, अच्छा इनके टाइम पे क्या था सर, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड बैटल ऑफ खालदा, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है इनके टाइम पे। अच्छा बैटल ऑफ खालदा किसके बीच में हुआ था सर, निजाम और मराठा के बीच में हुआ था 1795, तो आप नोट कर लेगा निजाम और मराठा के बीच में हुआ था। चौथा इंपॉर्टेंट पर्सन है फिर उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली, ये आपके 1798 से 1805 तक थे। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इन्होंने मजबूत किया। देखिए सब्सिडरी अलायंस इंडिया में पहले से था एक चीज समझ लीजिए, बट इसको जो ऑर्गेनाइज्ड वे में कह लीजिए, तो इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड वे में जो लागू किया था वो इन्होंने ही किया था, ठीक है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी, ये इनसे रिलेटेड है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 का है। उसके अलावा देखिए सेकेंड मराठा वॉर इनसे रिलेटेड है, सेकेंड मराठा वॉर 1803 से लेके 05, ठीक है। अब उसके अलावा इन्होंने तंजोर सूरत और कार्नेटिक का एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर लिया था। उसके अलावा देखिए ट्रीटी ऑफ बसाइन, ट्रीटी ऑफ बसाइन इंपॉर्टेंट है, 1802 में हुई थी। अच्छा मैं बता दूं ट्रीटी ऑफ बसाइन किसके किसके बीच में हुई थी सर, बाजीराव टू एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद जो अगले पर्सन आते हैं ये आते हैं सर सर जॉर्ज बार्लो, 1805 टू 1807, इनसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट सर, इनसे रिलेटेड है बहुत इंपॉर्टेंट म्यूटिनी है सर, वेल्लोर म्यूटिनी, ये सारी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको ये एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा रहा हूँ ये बुक के दौरान भी, ठीक है। तो इट वॉज फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ लार्ज स्केल वायलेंस बाय इंडियन म्यूटिनी अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, पहली बार हुआ था जब इंडियन सिपाही ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे के अगेंस्ट में विद्रोह किया था। इसका मतलब देखिए बहुत सारे लोग अगर ये सोचते हैं ना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान ही सिपाही म्यूटिनी हुई थी, नहीं ऐसा नहीं, म्यूटिनी तो होती रहती थी, दैट वॉज अ मोर वाइड स्प्रेड, बस ये डिफरेंस था और कुछ और भी लोग इन्वॉल्व थे ये, बट आपके म्यूटिनी था आपके सिपाही से रिलेटेड था। उसके बाद फिर आ जाते सर लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, 1807 से लेके 1813, इनसे रिलेटेड है सर ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है 1809। उसके बाद सर लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं आपके 1813 से लेके 1823 तक। तो देखिए ये मैं आपको क्रोनोलॉजी इसलिए बता रहा हूँ ना, बाद में क्या होता है अदरवाइज सर कौन कब आया ये सारे कन्फ्यूजन्स होते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इनके टाइम पे रेवतवारी सिस्टम इंडिया में आया था, रेवतवारी, और वो कौन लाए थे सर, थॉमस मुनरो, ठीक है, ही वॉज द गवर्नर ऑफ मद्रास। उसके अलावा ट्रीटी हुई थी किससे सर, ट्रीटी विथ सिंधिया,
1817 में। उसके बाद पिंडारी अटैक की बात होती है कि इस टाइप की पिंडारी, या इनफैक्ट आपने सुना भी होगा, जो आपके सलमान खान ने एक मूवी बनाई थी जो पिंडारी अटैक पे थी, तो उस मूवी का मुझे फिलहाल नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो वो मूवी थी जो पिंडारी पे रिलेटेड थी। फिर थर्ड मराठा वॉर, एटीन सेवनटीन से लेटर नाइनटीन 1817 से 1990 तक, एंड डिजोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फिडरेंसी हुई थी। उसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्रिएट की गई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी वॉज क्रिएटेड, ठीक है। उसके अलावा देख लीजिए एंग्लो नेपाल वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सगौली, एंग्लो नेपाल वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी, ट्रीटी ऑफ SAGAULS, ट्रीटी ऑफ सगौली, ये 1816 की थी, और एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से लेकर 16 तक चला था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो लॉर्ड हेस्टिंग्स से रिलेटेड है। उसके अलावा लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड AMHERST, 1823 से 28 तक थे। तो फर्स्ट बर्मीज वॉर कब हुआ था सर? 1824 से लेकर 26 तक। भरतपुर को कैप्चर कर लिया गया था सर 1826 में। तो ये देख लीजिए, देखिए अब ये क्रोनोलॉजी बन गई ना आपके साथ, कि अब आपको पता है कि इसके बाद ये आए थे, 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 इसके बाद ये आए थे। तो ये चीज आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कई क्वेश्चंस करने में हेल्प कर देगी, तो इसको याद कर लीजिएगा। उसके अलावा इनफैक्ट मैं डिस्कस भी करूंगा, आपको मेरे साथ लगे रहेंगे तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आते हैं सर लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नाम जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है एबॉलिशन ऑफ सती, आपको पता है। ये थे आपके 1828 से 35 तक। अच्छा, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सती जो थी, सती सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड एंड ठगी सिस्टम वॉज सप्रेस्ड, THUGI लिखते हैं से, ठगी सिस्टम 1830 में इट वॉज सप्रेस्ड। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज रिलेटेड टू हिम, ठीक है। मैसूर, कुर्ग और सेंट्रल छाछर इनके टाइम पे एनेक्स किया गया था। ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप, परपीचुअल फ्रेंडशिप, ठीक है, ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप किसके साथ इन्होंने साइन की थी सर? रंजीत सिंह जी के साथ, जो ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं बाद में, ऑल्दो, ठीक है। और जो देखिए प्रोविंशियल कोर्ट्स थे ना अपीलो सर्किट के, जो कॉर्न वॉलिस ने स्टेब्लिश किया था, ठीक है, तो ये चीज इन्होंने अबॉलिश कर दी थी। दसवें है सर लॉर्ड मेट काल्फे, 1835 से 1836 तक, ठीक है। इनके टाइम पे देयर वाज अ पासिंग ऑफ न्यू प्रेस लॉ, एक प्रेस लॉ था जो कि आपकी जो भी रिस्ट्रिक्शन थी ना प्रेस पे, उस पर हटाया गया था, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया था इंडिया में। तो आप कह सकते थे टुवर्ड द प्रेस पॉलिसी ही वॉज ए लिबरल पर्सन। उसके अलावा फिर आते हैं सर लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से लेके 42 तक। इनके टाइम पे फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था, फर्स्ट अफगान वॉर। देखिए ये थोड़ा सा सेशन बोरिंग है मैं समझता हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारे इवेंट्स याद रहने चाहिए। एंड डेथ ऑफ रंजीत सिंह, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके 12वें जो हैं लॉर्ड एलन बोरो, जो 1842 से लेके 1844 तक थे, और इनके टाइम पे हुआ था सर अनेक्सेशन ऑफ सिंध, जो 1843 में हुआ था, और ग्वालियर वॉर हुआ था, ग्वालियर से वॉर हुआ था इनका 1843 में। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ। ये आपके देखिए 1844 तक हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसके अलावा देखिए आ जाते हैं थोड़ा सा हम आपसे एक चीज और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, 1844 तक के इवेंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपके पास लॉर्ड हार्डिंग से शुरू करूंगा अगले वीडियो में।
ये मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपके पास क्वेश्चंस देखिए, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, वैसे देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लेकिन जो दिए गए ऑप्शंस थे ना उसमें थे लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो एंड डलहौजी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। राजस्थान पीछे इसका सवाल ही है। एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, हु आर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हमने डिस्कस कर लिया था वॉरेन हेस्टिंग्स। हु एबॉलिश ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स, डिस्कस किया था। दी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस इज एसोसिएटेड विथ वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखिए ये चीज रिंग फेंस किससे रिलेटेड है, वॉरेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड है। तो देखिए मैं क्या है ना कि ये जो भी टर्म्स है ना, ये कंफ्यूज घबराइएगा नहीं, क्योंकि आगे के जो हमारे वीडियोज बनेंगे ना, कि अदरवाइज ये वाला टॉपिक क्या है ना कि जितने आपके ये जितने भी गवर्नर एंड गवर्नर जनरल्स हैं, अगर मैं इनके एक एक टर्म डिस्कस करने लगूंगा ना तो ये पूरी बुक खत्म नहीं हो पाएगी, लेकिन ये वीडियो अपने आप में बहुत बड़ा बनेगा और आप सारे टर्म्स मेरे लिए डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपकी पूरी हिस्ट्री ही आपके गवर्नर और गवर्नर जनरल से रिलेटेड है। तो इसलिए आगे आप ग्रेजुअली जब आते जाएंगे ना, ये रिंग फेंसों का सब कुछ आएगा और मैं आपसे डिस्कस करूंगा दोबारा, ठीक है। विच गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट बाय इम्पीचमेंट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वॉरेन हेस्टिंग्स वो पर्सन है। इनको देखिए इंग्लैंड में प्रोसिक्यूट किया गया था, इम्पीच किया गया था। द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट गाजीपुर। द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक सर्विस वॉज डन इन द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस। विच गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, विच लेटर बिकम टू बी नोन एज इंडियन सिविल सर्विसेज, कॉर्नवालिस। और यही इंडियन सिविल सर्विसेज जिसे आप IAS नाम से जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बाद में इसका नाम चेंज करके ये रख दिया गया था। तो ये एक तरह से कह लीजिए ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। हु स्टैब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस रिलेटेड। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू इन इंडिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आउट ऑफ लैंड वॉर लॉर्ड्स, पीजेंट्स, वर्कर्स एंड ट्रेडर्स, परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विथ लैंड लॉर्ड्स से रिलेटेड था ये। आउट ऑफ जमींदार, विलेज कम्युनिटी, मुकदम्स एंड पीजेंट्स, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विथ जमींदार। देखिए परमानेंट सेटलमेंट समझ लीजिएगा क्या था, कि जो भी लैंड रेवेन्यू ये लोग कलेक्ट करते थे ना, तो इन्होंने परपिचुअली फिक्स कर दिया था कि आज इतना ही रहेगा जिंदगी भर, आगे बढ़ाएंगे नहीं। तो वो लैंड रेवेन्यू का जो परसेंटेज इन्होंने फिक्स किया था, दैट वॉज द परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज थी आपके परमानेंट सेटलमेंट। तो ये बाबा टर्म आ रहा है तो मैं आपको क्लियर कर दिया मैंने। दी करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार इज, राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वॉज मेड हेरिडिट्री एंड ट्रांसफरेबल फॉर द जमींदार। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793, जमींदार्स वर रिक्वेस्टेड टू इश्यू पट्टा टू फार्मर्स हु वर नॉट इश्यूड बाय मैनी विच वर नॉट इश्यूड बाय मैनी ऑफ द जमींदार। द रीजन वॉज, कोई ऑफिशियल चेक नहीं होता था जमींदार के ऊपर, तो पट्टा देने के लिए बोला गया, इन्होंने दिया नहीं। द टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज लिटिगेशन वॉज वाइबल विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम। कौन सा लैंड सेटलमेंट सिस्टम? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। द रीजन फॉर दिस इज नॉर्मली ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन मेकिंग। तो इसमें देखिए आंसर क्या है, कि कोई भी सही नहीं, मेकिंग जमींदार पोजिशन स्ट्रॉन्गर विस विस, ऐसा नहीं है, वो अलग थे, ये अलग थे। मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार, ठीक है, ये सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ओवरलॉर्ड थी इनकी, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। मेकिंग जुडिशियल सिस्टम वो एफिशिएंट, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज एसोसिएटेड विद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, देखिए मैंने डिस्कस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वॉज बैंड इन विच ईयर, 1789 का ये घटना है। सर थॉमस मुंडो, रियोतवारी सेटलमेंट से रिलेटेड जो थे, इज एसोसिएटेड विथ विच लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, रियोतवाड़ी सेटलमेंट। हु स्टार्टेड रियोतवाड़ी सेटलमेंट? थॉमस मुंडो से रिलेटेड है। देखिए एनसीईआरटी के वीडियोज में मैं ये सारी चीज डिस्कस करूंगा दोबारा। हु वॉज एसोसिएटेड विद द रियोतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास? मुंडो। द रियोतवाड़ी सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई ब्रिटिश इन द बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंट, सॉरी मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। द इंग्लिश इंट्रोड्यूस्ड रियोतवाड़ी फॉर द फर्स्ट टाइम इन मद्रास प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया था। आउट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुंडो, हु वाज एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रियोतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुंडो। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द एटीट्यूड ऑफ पैटर्नलिज्म इन गवर्नेंस इज एसोसिएटेड विद थॉमस मुंडो।
इन ब्रिटिश सिस्टम रेवतवाड़ी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वॉज इक्विवेलेंट इन साउथ इंडिया में था रेवतवाड़ी सेटलमेंट। ये स्टेटमेंट्स हैं जो रेवतवाड़ी सेटलमेंट से रिलेटेड सही हैं। रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाई पीजेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट गेव पट्टा टू द रियॉट, द लैंड वॉज सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बींग टैक्स्ड। एट अ टाइम वेन एम्पायर्स इन यूरोप आर क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ नेपोलियन, द गवर्नर जनरल हु केप्ट द ब्रिटिश फ्लैग फ्लाइंग हाई वॉज लॉर्ड वेलेसली। सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस इन द एडमिनिस्ट्रेशन टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश पावर ओवर द इंडियन स्टेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवॉलिस। द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस वॉज निजाम ऑफ हैदराबाद। द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ज्वाइन द सब्सिडरी अलायंस वॉज नवाब ऑफ अवध। ठीक है, तो देख लीजिए, ये कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है ना कि इसने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड कॉर्नवॉलिस को ज्वाइन किया था, तो वो होगा निजाम ऑफ हैदराबाद। यही चीज मैंने आपसे देखिए बताई थी, सब्सिडरी अलायंस पहले से एग्जिस्टेंस में था, तो इसलिए इसका जवाब ये हो जाएगा नवाब ऑफ अवध। द फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड कॉर्नवॉलिस वाज पेशवा बाजीराव टू। ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच सब्सिडरी अलायंस वॉज कंक्लूडेड विद द लॉर्ड वेलेसली बाई इंडियन रूलर्स वॉज हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया। हु इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेशन टू एस्टेब्लिश द ब्रिटिश पावर ओवर द इंडियन स्टेट्स, लॉर्ड वेलेसली। The main aim of East India Company to make a subsidiary alliance with Rajput state was to establish the sovereignty of the British। ये तो आपको पता ही है। Out of Nizam of Hyderabad, Holkar of Indore, Rajput state of Jodhpur and the ruler of Mysore, the subsidiary alliance was not accepted by Holkar state of Indore। The revolt of Vellore occurred during the regime of which governor? Wellesley इसका जवाब है। Anglo-Nepal war discuss कर चुका हूँ, Lord Hastings से related है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लॉर्ड हेस्टिंग्स से रिलेटेड है, ये मैंने डिस्कस कर लिया। ये चीजें भी देखिए, हेक्टर मुनरो ने लड़ाई लड़ी थी बैटल ऑफ बक्सर की। लॉर्ड हेस्टिंग्स इज रिलेटेड टू एंग्लो नेपाल वॉर। लॉर्ड वेलेसली इज रिलेटेड टू फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स इज रिलेटेड टू थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। वेन वॉज द पेशवाशिप एबॉलिश्ड? 1818 में हुई थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे पेशवाशिप एबॉलिश कर दी गई थी। सर थॉमस मुनरो वॉज द गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग विच ईयर? 1820 से 1827 तक। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 1820 से लेके 27 के बीच में आपके 20 मतलब कौन थे जो गवर्नर जनरल थे, ये थे लॉर्ड हेस्टिंग। एंड बाद में 1823 में ऑल्दो लॉर्ड एमहर्स्ट थे, बट मेनली लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे इन्होंने रेवतवाड़ी सेटलमेंट लागू किया था। ऑन द बेसिस ऑफ एलेज्ड माल एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल हैड टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यह काम किया था। ऑल्दो एक माल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक और आप सुनते होंगे, इट वॉज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स फॉर द अवध, जो कि लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड है, वो आगे आएगा। सती सिस्टम वॉज एबॉलिश बाई लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा रोल था। इन विच ईयर सती सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड? 1829। विच गवर्नर जनरल एबॉलिश्ड थगी इन इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, ये स्टेटमेंट सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वेन ये चीज देखे मैंने बताई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हु वॉज एसोसिएटेड विद सप्रेशन ऑफ थगी? कैप्टन स्लीमन ने उन्हें पूरा कवर अप किया था। विच गवर्नर जनरल हैज एबॉलिश्ड स्टेबली? लॉर्ड एलन बोरो। ठीक है, अब देख लीजिए, यहां तक मैं क्वेश्चन नंबर 50 मान लेते हैं, 50 पे मैं रुक जाता हूं, क्योंकि 50 मैंने आपसे एलन बोरो तक तो डिस्कस किया है, तो 51 ले लेते हैं। चलिए 51 तक मैंने अब रुक जाता हूं। अब अगला जो आएगा ना वीडियो सर, वहां पे मैं आपका कवर करा दूंगा लॉर्ड हार्डिंग, जो कि 1844 से थे, से लेके लॉर्ड कर्जन तक। उसके बाद मैं लॉर्ड कर्जन तक के क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस कर लूंगा। देखिए एक चीज, कुछ बच्चों को हो सकता है, उनको मेरे टीचिंग स्टाइल जो ऑलरेडी देख रहे हैं, उनको पता है कि कोई भी टर्म आता है तो मैं डिस्कस करता हूं। जैसे मैं बता दूं, ये देखिए आपका जो टर्म आया था ना, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल और ये सारी चीजें, तो ये मैं बता दूं, इस बार मैंने फिलहाल डिस्कस इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये बाद में दोबारा भी आएंगे आगे के जो चैप्टर्स हैं। क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि सारा कुछ जो है वो गवर्नर्स, जितना इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ है, जितने भी वो हुए हैं आपके रिवोल्ट्स वगैरह हुए हैं या फिर विरोध भी हुआ, तो ये इनसे रिलेटेड ही है, तो वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं पे आए हैं, तो यहाँ पे वो डिस्कस करना, फिर 110 क्वेश्चन डिस्कस करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं वो अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो
और आप क्वेश्चंस कर लें बिना कंफ्यूजन के। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए, अभी आज हमने लॉर्ड एलन बोरो तो डिस्कस किया, कल का जो वीडियो आएगा उसमें लॉर्ड हार्डिंग से रिलेटेड से लेके लॉर्ड कर्जन तक डिस्कस करूंगा, उसके बाद लॉर्ड मिंटो से लेके लॉर्ड माउंटबेटन डिस्कस करूंगा। तो 3 दिन में आपका ये टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन पेशेंस रखिए सर। देखिए जीएस आपके अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकती पूरी तरीके से, लेकिन ये मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एंटरटेन करते करते बना सको। देखिए आप ज्योग्राफी में जैसे बहुत सारे एनिमेटेड कोर्सेज दिखाता हूँ मैं आपको, लेकिन हिस्ट्री में थोड़ा सा क्या होता है कि उतना पॉसिबल नहीं होता कि एनिमेशन दिखाना। मैं आपको बाहुबली वाली लड़ाई तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वो जो हिस्ट्री है वो याद करना आसान बन जाए। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड एक चीज और मैं बता दूं, उसके अलावा अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं। कोड आपको मैं बता देता हूँ सर, यूज कर लीजिएगा PROMOTIONAL, प्रमोशनल आप यूज कर लीजिएगा, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। दोनों ही अवेलेबल है, पीडीएफ भी अवेलेबल है, बुक भी अवेलेबल है। अच्छा, जो बच्चे पीडीएफ खरीद रहे हैं, मैं उनसे बता दे एक चीज, ये पर्सनल सजेशन है जो मैं उनसे डिस्कस करना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे से पहले पीडीएफ खरीदा है, फिर बुक खरीदी है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए जब आपको मैं ये चीजें पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो बुक अगर आपके सामने होती है तो फ्रंट पे नोट्स बनाना ईजी हो जाता है, लेकिन पीडीएफ पे आप लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो आपके लिए बहुत ज्यादा, अगर आप देखिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी सेवी हैं तो आप बिल्कुल आप पीडीएफ ले लीजिए, लेकिन पर्सनल अगर आप सजेशन मांगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझसे सर पीडीएफ खरीदे के बुक खरीदे, तो आप बुक खरीदिए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। रेस्ट आपके देखिए चॉइस है। बाकी अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये यहाँ पे जाके सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ रुख्सत लेता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।